नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विजन केयर में। और भाई, पिछले पार्ट में जो आप लोगों का सपोर्ट देखा, मैंने लाजवाब देखा है, बहुत बेहतरीन देखा है। भाई ने फिर से बुला लिया है, इन्होंने कल्पुरों का शौक किया, जो दिखाना चाहते हैं सभी से, अपना शौक बांटना चाहते हैं। फिर से मैं आ खड़ा हुआ हूँ पहाड़गंज रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन आश्रम के पास, और ये दिल्ली 55 में पड़ता है। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसे कि हरी भाई, ठीक है जी, और भी दो चार नाम हैं। तो अब इनके कल्पुरों का शौक कराने वाला हूँ, और इसमें कुछ कबूतर जो लास्ट टाइम रह गए थे वो भी दिखाऊंगा। एक मकोया दिखाया था जिसमें शुरू में मैंने जिसकी मार्जिन पट दिखाना भूल गया था, वो भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई के साथ। और भाई, ये स्टार्ट कर दिया मैंने, कबूतर आ गए हैं, कल्पुरा कबूतर है और कलसरी मार्जिन। तो आशीष भाई, दोबारा बुलाने के लिए दिल से थैंक्स। और इत्तेफाक की बात है कि आपने वही टी शर्ट डाल रखी है जो पहले डाल रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचे सेम डे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शौक शौक होता है, शौक देखने को मिलना चाहिए। तो पहले नर का शौक भाई, देख लो कल्पुरों की आँखें, देख लो यार, ये क्या डोरे हैं, क्या ही आँख है कल्पुरा कबूतर लंबे फेस कट में, ये देख लो आप। ठीक है जी, तो आप शौक कर रहे हो आशीष भाई के यहाँ पर आके दोबारा से कल्पुरे कल दो मौका। और भी कलर हैं जो दिखाने रह गए थे लास्ट टाइम, वो भी दिखा देंगे आपको, का शौक करो आप दिखा दे, बहुत बढ़िया। सामने से बॉडी स्ट्रक्चर, और भाई पंजे दिखाओ, और ये देख लो भाई पंजे दिखा रहे आशीष भाई, साफ कर रहे थे, लेकिन ये देख लो क्या कबूतर है। तो नेक्स्ट बनाते हैं, मादिन लाते हैं। और ये देख लो भाई, उसके साथ लंबे चेहरे मोरे में मादिन लगा रखी है फुलसरी, क्या कबूतरी है यार। आशीष भाई बहुत लाजवाब, पहले भी आपका शौक कराया, बहुत अच्छा था। अब ये सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, लोग खुश हो जाएंगे इस बार भी देख के, क्या है यार लाजवाब, मज़ा आ गया आशीष भाई। तो ये देख लो सामने से इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटी सी वी शेप में मादिन है, लंबा चेहरा मोरा, पंजे दिखा दो। और ये इसके पंजे, वही बात, बिल्कुल जामुनी। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फटाफट। और भाई ये देख लो, कल्पुरे काट वालों का एक और जोड़ा आ गया, नफ्ते कल्पुरे जो भी हैं, जैसे कि आप लोगों को शौक है, नर भी लाजवाब, मादिन भी लाजवाब, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो पहले नर से, नर का शौक भाई, ये देख लो कबूतर, गिफ्ट आया हुआ है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि गिफ्ट का फिर मोल नहीं रहता। ये देख लो आप कबूतर, क्या कबूतर है यार, आंखें देखो आप इसकी, बिल्कुल खूनी लाजवाब, पलके भी खूनी, आंखें भी खूनी, और चेहरा, ये नस्ल भी खूनी है भाई, ये कभी नहीं हटते किसी की छतों से। कई कलर के रंग बाहर आए और गए, लेकिन कल्पुरे काट वाले कल दो में ये छतों पर बने रहते हैं। ये देख लो भाई, आंखों का शौक कर रहे हैं आप, और आपको दिखाता हूँ इसके पंजे। पहले बॉडी देखिए भाई, बहुत शॉर्टली कबूतर है, बहुत ही शॉर्ट कबूतर है भाई। ये देखो आप दूर से इसका फेस कट देखो, टेपर बिल्कुल, मतलब शेर नुमा ना, आप इसके पंजों का शौक। और ये देखो बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल जामनी पंजे, वही वाह। तो इसकी मादिन देखनी बाकी है ना, अभी मादिन देखते हैं, और एक बार ऐसे देखो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये मादिन है, नर समझ के लाए थे, बाकी भाई नर लग रही है लेकिन मादिन है। तो ये जो चेहरे बनाएगी ना, कौओं को शर्म आ जाएगी कि क्या चेहरा बनाया। तो इसकी आंखों का और शौक करेंगे करीब जाके। और भाई हमारे आशीष भाई कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा अभी वीडियो मैंने रोक रखी है, अब आशीष भाई आप बोल सकते हो क्या कहना चाह रहे थे इनको देखने का। भाई कोई भाई सेल के नहीं है कोई भी कबूतर, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। हाँ अवेलेबल नहीं है, बाकी शौक कीजिए आप, शौक को बढ़ावा दीजिए। ठीक है भाई, तो ये सेल के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे कि इसका बच्चा या ये जोड़ा, तो ये भाई अपने शौक के लिए लाए, आप अपने शौक को बना सकते हो। बहरहाल कभी ये देखो यार, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लग रही कि ये मादिन है। और भाई ये मादिन है, आप देख लो, नरों के चेहरों पे थूक दे ऐसी मादिन है, आंखों का शौक कर ही रहे हो आप, और मेरा मन नहीं कर रहा इसे हटाने से ना, देखो कितनी खूबसूरत है। तो ये सामने से फेस कट एक बार और बनाते हैं इसको ऐसे करके, और एक इसकी फोटो ले जाएगी। ठीक है जी, ले लिया, अब आप दिखाओ इसके बॉडी स्ट्रक्चर सामने से, भाई वाह लाजवाब। और अब जो है इसके पंजों का शौक, ये देख लो भाई मादिन के पंजे, और मादिन ने जो चेहरा ले रखा है ना भाई, बहुत कम, रेयर होती हैं ऐसी मादिन है ना, बहुत कम होंगी, और होंगी तो ऐसे खिलाड़ी पे होंगी जो इन कबूतरों के लिए अपना दिल निकाल के रखते हैं, वो ऐसे लोग संभाल के रखते हैं। तो भाई ये हो गया मादिन का शौक, आप चलते हैं नेक्स्ट पेयर। और ये देख लो भाई, एक और जोड़ा निकाल के ले आए कल्पुरे कल्दो में फुलसरे टाइप के, आशीष भाई मज़ा आ गया इनके, इन कबूतरों को देख के। और ये भी घर की ब्रीड है या फिर कहीं से अरेंज की है? ये सारे कल्पुरे एक ही ब्लड लाइन है, एक ही ब्लड लाइन है, ओनली भी चाहिए, एक ही खानदान का हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है। तो भाई करते हैं नर का शौक, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर हो रहा है। और भाई अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके मन में कोई सवाल है, वो किसी उस्ताद से पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, करना चाहते हो,
तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके पास जा के और आपकी बातों को रख सकूँ, कह सकूँ। तो ये देख लो नर पीली डोरों में, बहुत ही प्यारी आँखें इसकी, पलके झुकाया जा रहा बार बार, बहुत ही लाजवाब, क्लियर यार, बहुत ही क्लियर, मज़ा आ गया। ये सामने से इसका फेस कट, ये बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा। तो नरों का तो शौक चल ही रहा है, पंजों का शौक देख लो भाई, बिल्कुल जामनी है। हर खिलाड़ी अपने अपने शौक के अनुसार कबूतर को देख के पहचान लेता है। हर खिलाड़ी की एक ना क्वालिटी होती है, वो कबूतर को किस जगह से पहचान ले उसके अनुभव के ऊपर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने पूरा पेड़ देख लिया ना भाई, अभी मादिन राधी मादिन दिखा, ये देख लो, सॉरी भाई हो स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने सारी बातें कहती, फिर से कह देता हूँ। ये मादिन भाई खुद इससे चेहरे के, लेकिन इसके बच्चे अच्छे चेहरे मोरे के बनते हैं, ऐसा कहना हमारे आशीष भाई का है। तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है। ये देखो आँखें बहुत अच्छी है इसकी, सामने से बॉडी स्ट्रक्चर ये है, छोटी सी ये देखो वी शेप, मतलब चार उंगली की भी नहीं है आगे से ना, पाँच मान लो एक और मिला लो, तो बहुत ही अच्छा वी शेप है इसका। और इसके पंजे दिखाता हूँ आप, और ये देखो पंजे, और भाई कमेंट्स में बताएं आप। और मैं छोड़कर इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि कई बार कबूतर चटक जाता है, उस खिलाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो वो बेहतर नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, एक और कलपरों का पेयर आ गया भाई साहब, कलपरे दिखा रहा हूँ, कुछ कबूतर लास्ट टाइम रह गए थे वो भी दिखाना बाकी है। आशीष भाई बहुत ही लाजवाब आदमी है भाई, बहुत ही प्यार आदमी है, तो भाई का शौक भी अच्छे लेवल पर है, तो नर का शौक करो। तो देख लो भाई इस नर का शौक करो, गहरी गादली सी आँखें हैं, लंबा सा चेहरा, काली चोंच है इसकी, और भाई ये पीली डोरों का कबूतर है, जैसे उड़ना चालू करेगा अपनी रंगत में आ जाएगा। और भाई जब उड़ता हुआ कबूतर हर खिलाड़ी को अच्छा लगता है, हर खिलाड़ी को, देखो सामने से भाई वाह, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा शौक करा रहा है आशीष भाई हमें, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसके पंजे दिखा दो, ये देख लो भाई इसके पंजे, भाई लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट पेयर मादिन दिखाई नहीं मैंने, इसकी मादिन दे, आप इस मादिन का चेहरा नोटिस करो मेरे दोस्तों, क्या शौक है। और भाई सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे आते हो भाई, 10,000 व्यूज़ आ जाती है, केवल 10 लोग सब्सक्राइब करते हैं भाई, इतना बुरा तो नहीं बोलता यार मैं, तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। जो आज बंदे जो मतलब यूट्यूबर हैं वो वीडियो भी नहीं डालते, मैं तो यार कोशिश ये रहती है कि हर संडे अपना आप लोगों के नाम करके बैठा हूँ कि वीडियो बनाते रहेंगे, लोगों को शौक दिखाते रहेंगे। मज़ा तो जब ही आएगा ना जब आप आकर देख रहे हो और भाई फिर उसको सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ये देखो सामने से इसका चेहरा, इसके परियाँ दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल लाजवाब भाई ने जोड़ों के हिसाब से रख रखा है, ठीक है जी। आप पंजे दिखा दो भाई, इसके पंजे, ठीक है जी, लाजवाब। चलो नेक्स्ट पेयर, ये देख लो भाई, कलसरा कह लो, नफ्ता कह लो, कुछ भी आपके समझ में आता हो, बहुत ही लाजवाब पेयर है, फुल सीरी मादिन और नफ्ता, ये नफ्ता कलसरा, ये नर है। आशीष भाई ये भी अपने घर की ब्रीड है या कहीं से परचेज आया है? ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, इसके बारे में तो मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मतलब घर में ही हुआ या? इसका मेरे को कोई मतलब याद नहीं है, तो कुल मिला के घर में ही था जब स्टार्ट हुआ था। चलो फिलहाल आप इसका शौक कराते हैं, पहले नर का ही देख लो भाई, गुलाबी डोरे, सिंदूरी आंखें, और ये नाकड़ा देख लो सामने से, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। आप कर रहे हो कलसरे कबूतर का शौक, कलसरा भी कह सकते हैं, नफ्ता भी कह सकते हैं, सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही प्यारा कबूतर है भाई। थोड़ी देर रुकूंगा इसको यहाँ पर क्योंकि लोगों की इस पर कमेंट्स आने वाली है, और बहुत ही अच्छा कबूतर है, तो पंजों का शौक। और ये देख लो भाई इसके पंजे, तो ब्रीडिंग सेटअप से आप कबूतर देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको इसके साथ ही झेलना पड़ेगा। ये देखो नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, मादिन रह गई थी इस पेयर की, पहले मादिन का शौक करते फिर आते हैं नेक्स्ट पेयर। बहुत ही अच्छी मादिन है, बहुत ही अच्छी भाई, जोड़ा बहुत अच्छा बना रखा भाई ने। तो ये सामने से इसका फेस कट, ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये देख बताना, और इसके पंजे देख, और ये देख लो भाई बिल्कुल जामनी पंजों की मादिन है, वही वाह। चलो नेक्स्ट पेयर पे आते हैं भाई, जैसे कि मुझे हर छत पे एक कबूतर का एक जोड़ा पसंद आता है या करना पड़ता है ताकि हम सामने वाले से कहें कि भाई आपने ये पेयर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रखा था, जिसमें से ये वो पेयर है जो बहुत अच्छा है। तो भाई मेरी नज़र में बहुत अच्छा पेयर है, आप बताना आपको कैसा लगा। तो नर का स्टार्ट करते हैं शौक करना, देखिए ये देखो भाई, वाह वाह आशीष भाई वाह, क्या कबूतर रखे हुए आपने, क्या अच्छी आइटम रखा हुआ है भाई, मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा, पसंद आया भाई, वाह लाजवाब। अब ऐसे देख लो भाई इसको, अब यहाँ से देख लो भाई, और देख के बताओ क्या ही, अरे वाह लाजवाब,
पंजे दिखाना भाई इसके, ये इसके पंजे भाई देख लो, बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट पेयर का, और ये देखो भाई क्या चेहरा है यार मादी ने, भाई गलती ना करने से नर समझने की मादी ने ये, और भाई चेहरों के तो ये बादशाह ही दिखा रहे हैं कि हाँ हमें चेहरे भी पसंद है उड़ान के साथ। ये देख लो भाई क्या आँख है, आँखों की भी खूबसूरत, चेहरे की भी खूबसूरत, पट खोपड़ी की मादी ने वी शेप वाली, ये देख लो। ठीक है जी, आप शौक कर रहे हो आशीष भाई पहाड़गंज वालों के यहाँ पर। तो ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, छोटी सी मादी ने, देख लो भाई क्या मादी ने यार। अब इसके पंजों का शौक, ये देखो भाई पंजे क्या लाजवाब पंजे हैं, शौक में आज आनंद ही आनंद है, परमानंद है भाई। तो शौक करते रहिए, बताते रहिए कैसा लगा शौक। भाई जोड़ा देखो क्या लाजवाब निकाल के लाया भाई, दोनों के चेहरे मोरे देखो, आंखें देखो। और आशीष भाई कुछ बता रहे थे आप, जो आपने पहले पार्ट में मकोया कबूतर देखा था गुलाबी पलकों में गुलाबी डोरों में जिसे सब गोला बता कर जाते हैं, उसकी उसकी पट्टी है ये। अब इससे पता चल जाएगा कि वो क्या बनाता है ना, तो पहले पट्टी का ही देखते शौक, पट्टी का दिखा। देख लो भाई ये वो पट्टी है, लाजवाब खूबसूरत, देखो भाई चेहरा मोरा पलके आँखें सब, कुदरत ने इसको सब खूबसूरत दिया हुआ है, सब गुलाबी डोरे हैं भाई, वाह क्या पीसेस है यार, क्या आइटम है। तो ये उस मकोई की मादी ने सॉरी पट्टी है, जो यहाँ पर हर कोई इसे गोला बता के गया सामने से, देखो कितना पतला चेहरा है। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, शायद कहीं हम रुक गए थे जिसमें, मतलब मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूँ, इसके दिखाता हूँ आपको पंजे, क्योंकि आंखों का शौक मैं करा चुका था। देखिए ये देख लो भाई जामनी पंजे बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, और ये उसी गोले की पट्टी है जिसे लोग यहाँ गोला बताते हैं। इसका नर देखते हैं ना भाई, नर रह गया था ना नर, ये देख लो भाई बिल्कुल खून जैसी आँख है, गुस्से में है भाई कबूतर भाई, आगे हमेशा खूनी रखता है। ये देख रहे हो आप शौक, देखो भाई क्या लाजवाब, और धूप इतनी तेज हो गई है कि मेरी भी आगे निकल रही है भाई। तो आप शौक कर रहे हो भाई, कलपुरा कलदों का कबूतर है, वीशे में सामने से ये इसके चेहरे मोरे को देख लो, और यहाँ से इसको देखो क्या समझ में आता है, आपको बताना ज़रूर। तो भाई इसके पंजों का शौक, और ये देख लो भाई इसके पंजे क्या क्वालिटी यार पंजों की, बात जवाब। नेक्स्ट प्लेयर आशीष भाई, और ये देख लो भाई इसमें फुलसरी मादी ने और कलपरा कलदुमा नर है, ये काले परों का और ये सफ़ेद, लेकिन बता रहा भाई कि सारे कलपरे सारे दसों के दसों कुंदे काले ही बनाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया लगते हैं दस कुंदे वाले भी ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले नर, भाई शौक करो इसकी आंखों का, क्या कशिश है इसकी आंखों में यार, लाजवाब। थोड़ा सा और हाँ यहाँ देखेंगे, क्या बात है, चेहरा भी अच्छा आँखें भी अच्छी, सर्कल देखो आप, और करीब लेके चलता हूँ बस, साले थोड़ी देर रुक जा। ये देखो क्या आँख है यार, क्या कशिश लेके पैदा हुआ है अपनी आंखों में, आप इसकी सर्कल को नोटिस करो भाई, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई फैलापन नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल लाजवाब, क्या ही आँख है यार भाई, वाह भाई वाह आशीष भाई, दिल खुश हो गया भाई, पर्सनली बता रहा हूँ बहुत ही लाजवाब कबूतर है, और कैमरा हटाने का मेरा खुद का दिल नहीं है। ये देख लो भाई क्या चीज़ आशीष भाई के पास, तो सामने से ये देख लो इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, इसकी मादिन का शौक पंजे का शौक करते, और ये देखो बिल्कुल जामनी पंजे, और भाई पंजों को आप देख के अगर लगता है कि जामनी नहीं है तो वही कमेंट्स करके बताएं कि भाई ये इस पंजों को ऐसे देख सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो आते हैं इसकी मादिन का शौक करने, तो भाई मादिन भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है, आप देख सकते हो वही सर्कल है, थोड़ा सा लाइट खुल गया है, और चेहरा देखो आप इसका क्या लाजवाब मादिन है यार, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। तो आँखों का शौक मतलब समथिंग एक जैसा, और ऐसे सामने से ये, और सामने से ही बॉडी दिखाता हूँ आपको, क्या खूबसूरत लग रही है यार भाई, वाह। देख लो भाई ललसरा पेयर है, और सॉरी ललसरी मादी नर फुलसरा पेयर नर है, तो बहुत ही अच्छे लेवल पर फुलसरे कबूतर हैं, तो इनमें नर का शौक कराता हूँ आपको। आशीष भाई के कबूतर देख रहे हो आप दिल्ली पहाड़गंज से, नेक्स्ट देखते हैं पहले नर। आप देख लो भाई ये नर देखो यार, पीली डोरों में क्या ही आंखें ले रहा है भाई, वाह। इसको और जूम करके दिखाता हूँ मैं भाई, सर्कल नोटिस कर लो इसका सर्कल, थोड़ी सी पलके खींच लो भाई आपकी, ये देखो भाई वाह, ये देखो क्या आंखें यार, थोड़ा सा एजेड है तो पलकों में वो चमक नहीं है, लेकिन ये बता रहा कि हम उन सब के पिता हैं जो आज पैदा हुए हैं, तो भाई बिल्कुल कह सकता है। ये देख लो पीली डोरों में फुलसरा कबूतर, लंबे चेहरे मोरे में, आँखें बड़ी खूबसूरत है इसकी, उड़ान वाली नस्लें हैं, पहचान आ जाती हैं। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या खूबसूरत कबूतर है यार। इसके पंजे के साथ इसके मादिन को देखते हैं पहले, पंजे बिल्कुल डार्क पंजे हैं, बिल्कुल जामुनी भाई साहब, बहुत तेज़ धूप है, आँखें चुंधियाती हैं हमारी भी,
लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको शौक कराते रहेंगे। ये देख लो भाई, मादिन देखते हैं इसकी। ये जोड़े में ललसरी मादिन है भाई, सिंदूरी आँखें हैं, बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत वो जोड़ा, बहुत ही लाजवाब है। और ये देख लो सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत, ठीक है जी। और इसके पंजों का शौक कराता हूँ, और ये देख लो भाई इसके पंजे। तो आशीष भाई थोड़ा सा फ्रेम में आइए और ये बताइए कि पहले शौक इसी छत से होता था कि कहीं और भी अपना लॉफ्ट था? आप दिखाना चाहेंगे और इसको तो सामने मेरा पुराना जाल है, ये जिसमें नीले रंग की जाली है। हाँ, ये नीचे जो है जहाँ कपड़े सूख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये देख लो भाई ये जाली, ये शौक यहाँ से शौक था, फिर शौक के चक्कर में भाई ने ये 55 गज 110 गज का फ्लैट लिया है सिर्फ इस शौक को पूरा करने के लिए। लॉफ्ट देख सकते हो आप, लाजवाब है भाई का लॉफ्ट है। सामने छोटे से जोड़े उधर है जो पिछली बार जो कबूतरों के लिए, सिंगल कबूतरों के लिए। नेक्स्ट पेड़ देखते हैं भाई, इसमें देख लो एक अनारी मादिन है और कल्परा कल्दुमा नर है, बड़े चेहरे मोरे में, बहुत ही लाजवाब भाई। ये आशीष भाई क्या चमकदार आँखें हैं जो, बिल्कुल भाई वाह लाजवाब। तो भाई शौक करेंगे पहले नर का, फिर मादिन दिखाता हूँ। और ये भाई ये देख लो, जिससे पहले मेरा फ़ोन मेरा साथ छोड़ दे इससे पहले इसकी आंखों का शौक कर लीजिए आप। लंबे चेहरे मोरे में कबूतर है ये देख लीजिए, और क्या ही आंखें हैं पीली पलकों में। ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर, भाई आशीष भाई ने पूरा साथ दिया है इस वीडियो को बनवाने में, क्योंकि हम दोनों ही, इसके अलावा कोई नहीं है। और पंजे दिखा दो, और ये इसके जामुनी पंजे। भाई ज़रूर बताना ये शौक आपको किस लेवल तक अच्छा लगा, और अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, जो आप बताएंगे हम सुनेंगे उसका जवाब देंगे, ठीक है जी। ये देखो और करते हैं मादिन का शौक। ये देख लो भाई अनारी मादिन, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी आँखें इसकी, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी, और इसके बाद जो लाल लाल रंग का डॉट है ना पीली पलकों में, और छोटी सी बिंदी है भाई, बिल्कुल छोटी सी। तो आप शौक कर रहे हो, लाल सी मादिन है, लाल सी गर्दन है, पीले में से निकली होगी। ये देख लो भाई, ठीक है इसके पंजे दिखाओ। और ये देखो भाई क्या चमकदार आँखें यार, आप इसके पंजे दिखाओ भाई। और ये देख लो इस मादिन के पंजे भाई। तो इसी के साथ भाई सभी भाइयों से इजाज़त लेंगे, आशीष भाई से भी इजाज़त लेंगे। ये जो हमारे आशीष भाई हैं बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर भी हैं, अच्छे खिलाड़ी भी हैं भाई। ये भाई का लॉफ्ट देख लो, ये भाई के जोड़ों का सेटअप है। और भाई बहुत सारे कबूतर हैं, जैसे कि लाल रह गया था लेकिन मैं आपको ये दिखाऊँगा। और ये देख लो भाई जोड़े जो मैं नहीं दिखा पाया हूँ, जो आप शॉट में नहीं कर पाए हो, ये देख लो हमारे। तो थोड़ा बारिश का समय है, थोड़ा सा लॉफ्ट को इस नज़र से ना देखें कि कैसे रखा हुआ है, लेकिन कबूतर देखें भाई ने क्या जोड़े रखे हुए हैं यार। तो ये लॉफ्ट है भाई का, ऊपर उड़ने वाले कबूतरों को छोड़ा जाता है। एक ये देख लो बहुत ही प्यारी मादिन है भाई। भाई सभी भाइयों से अब इजाज़त लूँगा, जय हिंद जय भारत कहूँगा। और बताना भाई आपको इस भाई का शौक कैसा लगा, कैसे ये कबूतर बाज हैं, कैसे इन्होंने ब्रीड रखी हुई है, कमेंट्स में बताएं, भाई को समझाएं। आप कोई राय देना चाहें तो राय दे सकते हैं, क्या पता कुछ बदला जा सके, कुछ अच्छा किया जा सके। तो ये लॉफ्ट है भाई, दो लॉफ्ट उधर हैं। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत। आप सभी के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। और भाई प्यार आपका मुझे प्रॉपर मिल रहा है, आप वीडियो देखते हो ना, मतलब घंटे तो यार लाजवाब बनते हैं, भागे चले जाओ घंटे तो ऐसे बनते हैं यार, आप पूरी पूरी वीडियो देखते हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।